हेलो दोस्तों, आज मैं आपको फोल्डर से रिलेटेड वीडियो फिर से लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फोल्डर पर फोटो कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए हम लोग वो फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं जो फोल्डर पर हमें लगानी है। उसके बाद जो है वो फोटो को ओपन विथ पेंट में ओपन कर लेंगे और उसके बाद सेव एज में जाने के बाद यहाँ पर जो है 24 बिटमैप, उसके बाद जो है यहाँ पर एक फाइल नेम डाल देंगे और उसके बाद .ico लिखना अनिवार्य है। उसके बाद इसको सेव कर देंगे। इसके बाद हम लोगों को एक फोल्डर क्रिएट करना है, तो हम लोग यहाँ डेस्कटॉप पे कर सकते हैं या जहाँ मर्जी वहाँ कर सकते हैं। तो फोल्डर हम लोग एक क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी में चलते हैं और यहाँ पर कस्टमाइज पर और चेंज आइकॉन्स, यहाँ पर चेंज आइकन में जो है यहाँ पर कोई भी हम लोग जो है वो आइकॉन्स को क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को फोटो यहाँ पर डालना है। तो उसके बाद ब्राउज़र पर जाएंगे और यहाँ पर जो है हमने जहाँ पर वो सेव किया था फोटो को उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है ये फोटो पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद ओपन करेंगे, उसके बाद ओके अप्लाई ओके। उसके बाद जो है हमारा यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फोटो है वो लग चुका है। यदि हम डेस्कटॉप पर करेंगे तो एक बार जरूर रिफ्रेश कर देंगे, नहीं तो वो दिखाई नहीं देगा।